सुप्रभात। भाषा संगम के गतिविधि के क्रम में आज की भाषा है संस्कृत। संस्कृत देववाणी के नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्व साहित्य के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उपनिषद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। विश्व मंच पर भारत की सबसे बड़ी जीत, क्या आपको पता है कि नासा प्रमुख खुद संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और वे संस्कृत भाषा को सीख भी रहे हैं। उन्होंने संस्कृत के विषय में कहा था कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट भाषा है और मुझे समझ नहीं आता कि भारतीयों ने इसके महत्व को क्यों नहीं समझा और इसे छोड़ दिया। आपको बता दें कि भारतवर्ष में संस्कृत ही बोली जाती थी। आज हम आपको संस्कृत के बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं जिससे आपको गर्व होगा। संस्कृत को प्रायः सभी भाषाओं की जननी माना गया है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द है। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102,78,50,00,000 शब्द हैं। नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर माना था। संस्कृत दुनिया की पहली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। कर्नाटक के मुंदर गांव के लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। सुधर्मा संस्कृत का पहला समाचार पत्र था जो 1970 में शुरू हुआ था। संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते, जैसे अहम विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयं गच्छामि अहम, गच्छामि अहम विद्यालयं, इन तीनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम संस्कृत में बनी है, ना कि अंग्रेजी में। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे छठे और सातवें जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वे इन वाक्यों को दोहराएं। हेलो, नमस्ते, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम, माय नेम इज दक्ष, मेरा नाम स्तुति है, मम नाम संगिनी अस्ति, मम नाम संगिनी अस्ति, मम नाम अस्ति, हाउ आर यू, आप कैसी है, भवती कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, अहम कुशलिनी अस्मि, अहम कुशलिनी अस्मि, अहम कुशलिनी अस्मि, अहम कुशलिनी अस्मि, I study in class 8, मैं आठवीं कक्षा में पढ़ती हूँ, अहम अष्टम कक्षायां पठामि, अहम अष्टम कक्षायां पठामि, What are you doing?
भवती किम करोति? भवती किम करोति? भवती किम करोति? भवती किम करोति? I am reading a chapter of Sanskrit. मैं संस्कृत का पाठ पढ़ रही हूँ। अहम् संस्कृतस्य पाठं पठामि। अहम् संस्कृतस्य पाठं पठामि। अहम् संस्कृतस्य पाठं पठामि। अहम् संस्कृतस्य पाठं पठामि। ओके, बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। शोभनम् पुनः मिलामः। Sangam.